भगवान श्री कृष्ण जब माता देवकी और पिता वसुदेव को कंस के चंगुल से छुड़ाने गए तब उनकी उम्र 14 वर्ष थी। उनकी माता ने उनसे पूछा कि बेटा तुम तो भगवान हो तो तुम हमें पहले ही कंस के चंगुल से छुड़ा सकते थे, इतनी देर क्यों कर दी? तो कृष्ण जी ने कहा, माता क्या पिछले जन्म में आपने मुझे 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया था? माता हैरान रह गई, बोली ये क्या कह रहे हैं आप? तब कृष्ण जी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं राम था और आप थी माता कैकेयी और आप ही ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता माता, इसलिए आपको 14 साल का ये दुख सहना पड़ा। तब आश्चर्यचकित होते हुए माता ने पूछा, तो फिर यशोदा पिछले जन्म में कौन थी? कृष्ण जी ने बताया, वो थी माता कौशल्या जो 14 साल तक अपने पुत्र से अलग रही थी, उन्होंने उस दुख को सहा था, इसलिए इस जन्म में 14 साल मैं उनके पास रहा और मेरे साथ रहने का माता और पुत्र के प्रेम का सुख उन्हें मिला। कहने का मतलब यह है कि कर्म फल से ना उस युग में कोई बचा था ना आज कोई बचेगा, खुद भगवान भी कर्म फल से नहीं बच सकते, इसलिए अपने हर एक कर्म को बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि जिसके भी खिलाफ आप कुछ गलत कर रहे हैं उससे आपकी शत्रुता कुछ समय या शायद एक जन्म की है, लेकिन उसके साथ कुछ गलत करके आप अपने कई जन्म बिगाड़ सकते हैं।